जिली मीडिया में एक बार फिर सबको खुश आमदेद। क्या आपको मालूम है कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों को एक नहायत ही अनोखी और लाइलाज बीमारी लाहिक है। जर्मन जबान में एक लफ्ज़ है शाडनफ्रॉयडे, इंग्लिश में इसे शाडनफ्रॉयडे भी कहा जाता है, और यूरोपियन लैंग्वेजेस में इसका तलफ्फुज़ हर लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है। शाडनफ्रॉयडे या शाडनफ्रॉयडे का मतलब है वो खुशी जो हम हासिल करते हैं किसी और को तकलीफ में देखकर। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों में ये बीमारी बहुत हद तक पाई जाती है। हम लोगों को इतनी खुशी अपनी कामयाबी पर नहीं होती जितनी दूसरों की नाकामी पर होती है। ये फिनोमिना हमारे रिश्तेदारियों में भी पाया जाता है, जिसे एक अजीबोगरीब लफ्ज़ दिया जाता है, शरीका बरादरी। जब कोई किसी मुश्किल में होता है तो उसकी खबर सुनकर बड़ी खुशी महसूस होती है। एक आम सी ऑब्जर्वेशन है, जब कोई गिरता है साइकिल चलाता हुआ या हादसे का शिकार होकर गिर जाए, या घर पे सीढ़ी पर से गिर जाए, एक्सीडेंटली गिर जाए, या उसे चोट आ जाए, तो हम लोग सबसे पहले बेसाख्ता हंसने लग पड़ते हैं, जिसे कहते हैं ना कि हमारी हंसी छूट जाती है। जबकि यूरोप में, मगरब में मैंने देखा है कि लोग जब कोई गिरता है, उसे चोट लगती है, तो एकदम भागकर जाते हैं, उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, उसे उठाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है, कैसे चोट लगी है और किस तरह से उसे संभाला जा सकता है या सहारा दिया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए ये एक बड़ी मज़ाक़ा खेज बात होती है। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा ना कि हमारी हंसी ही छूट जाती है, बल्कि हंसते ही चले जाते हैं, और बाद में कहीं जाके उस शख्स को वो हेल्प करते हैं या उठाते हैं या सहारा देते हैं, संभालते हैं। तो ये एक नहायत ही अजीब और अनोखी और बहुत हद तक लाइलाज बीमारी है जो अक्सर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों में पाई जाती है। आखिर हिंदुस्तानी और पाकिस्तान हैं तो बेसिकली एक ही तरह के लोग। अब जैसे हाल ही में जब क्रिकेट के मैचेस हो रहे थे, तो जब इंडिया हारा तो पाकिस्तान ने बड़े जश्न मनाए, बड़ी खुशियां मनाई, और जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में बाहर हुआ तो हिंदुस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई। यानी हम लोग अपनी कामयाबियों पे इतना जश्न नहीं मनाते जितना दूसरों की नाकामी पर। इसमें कुछ अजीब सी खुशी महसूस होती है। ये एक नहायत ही अजीब नफसियाती बीमारी है जिसका हम लोग बड़ी बुरी तरह से शिकार हैं, बल्कि हमेशा इसी उम्मीद और आस में लगे रहते हैं, खोज में बल्कि लगे रहते हैं कि कहीं से किसी दुश्मन की कोई ऐसी खबर मिले जो हमारे लिए बड़ी खुशी का बायस हो। और खुशी इस बात की नहीं कि वो कोई कामयाबी में किसी की खुशी महसूस हो, बल्कि हमें दूसरों की नाकामी में बड़ी खुशी महसूस होती है। तो इस बीमारी को इंग्लिश में कहते हैं शाडनफ्रॉयडे या शाडनफ्रॉयडे, जर्मन जबान का लफ्ज़ है जो इंग्लिश में और यूरोपियन लैंग्वेजेस में राइज है। तो जब मैंने ये लफ्ज़ पढ़ा तो मैंने फ़ौरन सोचा कि ये बीमारी तो यकीनन हम लोगों में पाई जाती है, और मैं क्या कह सकता हूँ, बस यही है कि काश हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकें। यानी कि अपनी खुशियों में खुशी हासिल करें, अपनी कामयाबियों में खुशी हासिल करें, ना कि दूसरों की नाकामियों में खुशी की तलाश करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीली मीडिया।